بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين हमारी गुफ्तगु लुमआ शिशुम के किताबुद्दियात में है और किताबुद्दियात में इन्होंने कहा था कि हम कुछ मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। उन मसाइल में से 5 मसाले पढ़ चुके, आज छठा मसाला पढ़ेंगे। अलबत्ता छठा भी कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि कुछ मसाला जो है वो लंबा है। तो मसाले का उन्वान क्या है? आप की जो है वो घर की या कहीं भी आपने खेती की या कोई बैठक बनाई हुई थी उसकी दीवार रास्ते की तरफ गिर पड़ी या मोहल्ले वालों की तरफ वो दीवार गिर पड़ी, तो अब वो इस दीवार के गिरने से जो नुकसान हुआ है, क्या मालिक उस दीवार का जामिन है या जामिन नहीं है? फरमाते हैं कि इस दीवार की कुछ शिकें यूं बने कि दीवार शुरू में ही टेढ़ी बनी हुई थी या टेढ़ी नहीं बनी हुई थी। खो अगर टेढ़ी बनी थी तो मालिक को इल्म था कि ये टेढ़ी बनी है या मालिक को इल्म नहीं था? और अगर मालिक को इल्म था तो फिर क्या मालिक उसकी इस्लाह कर सकता था या इतना टाइम मालिक को नहीं मिला? खो अगर दीवार टेढ़ी थी और मालिक को इल्म नहीं था और गिर पड़ी तो मालिक जामिन नहीं है, और अगर दीवार टेढ़ी थी और मालिक को इल्म भी हुआ लेकिन बनाने का वक्त नहीं मिला तो भी मालिक जामिन नहीं है। लेकिन अगर दीवार टेढ़ी थी, मालिक को इल्म भी था और बनाने का टाइम भी था, फिर भी उसने मरम्मत नहीं कराई तो अब ये जामिन है। अगर इससे कोई इंसान मर गया तो उसकी दियत, और अगर कोई गाय बैल बकरी मर गई तो फिर उनकी कीमत इसको अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर दीवार टेढ़ी थी ही नहीं तो क्या हुक्म है? कहते हैं फिर उसकी बुनियाद को हम देखेंगे कि इसने बुनियाद उसकी अच्छे तरीके से जो है क्या है जनाब वो रखी थी, यानी ऐसी दीवार जैसी बुनियाद पर रखी जाती इसने रखी थी, ऐसे जुगाड़ी काम किया था। अगर जुगाड़ी काम किया था तो जामिन है, और अगर जुगाड़ी काम नहीं किया था बल्कि बाकायदा एक सिस्टम के मुताबिक किसी इंजीनियर से या जो घर बनाते हैं उनसे कहा कि इस दीवार की जो है क्या है जनाब बुनियाद कितनी जमीन के अंदर होनी चाहिए, उसमें कितना सरिया डालें, कितना सीमेंट डालें, वो सब कवायद के मुताबिक की उसके बावजूद गिर गई तो फिर ये जामिन नहीं है। अच्छा, फिर परनाला भी हम घरों का गलियों में ही निकाल देते हैं और शरीयत ने भी इजाजत दी है। अगर परनाला इसने गली की तरफ निकाला था और वो परनाला गिरा और किसी का नुकसान हुआ तो कहते बरना उस जो है जनाब वो परनाले का जो बाहर वाला हिस्सा था वो गिरा, या जो दीवार में गड़ा हुआ था, दीवार में दाखिल था, वो भी गिर गया। अगर सिर्फ बाहर वाला हिस्सा गिरा तो बईद नहीं कि ये किसी भी चीज का जामिन ना हो, लेकिन अंदर दीवार वाला हिस्सा भी गिरा है तो फिर ये जामिन हो सकता है। तो इस तरीके से ये बहस यहाँ पर मेरे ख्याल में हम पूरी करें। बाकी हल्की फुल्की जो है क्या है जनाब वो मसाइल हैं जो हम इबारत में। छठा मसाला, लो वक अगर वाके हो, इसका तर्जुमा हम यूं करेंगे अगर गिर जाए। क्या गिर जाए? हा तो हो इस बंदे की दीवार गिर जाए। खो अलमाइल, अलबत्ता वो दीवार जो पहले से ही किसी एक तरफ झुकी हुई थी, बाद इल्म ही बेमैल ही, जबकि मालिक को इल्म भी था कि मेरी दीवार झुक चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है, किस तरफ? इला तरीक रास्ते की तरफ, और मिल के गैर ही या किसी गैर के मिल्कियत की तरफ। वह तमक्कन हु मिन इस्लाह ही, या यूं पढ़ें या यूं करें यूं पढ़ें वह तमक्कुन ही, यानी बाद तमक्कुन ही मिन इस्लाह ही, और इस बंदे का बस भी चलता था कि उस दीवार की मरम्मत कराए बादल इल्म में, उस दीवार के टेढ़े होने के बाद, व कबल वकूए और गिरने से पहले, यानी इतनी फुर्सत थी। ओ
बना हो माइलन, या ये जो है कंजूस था, किसी बाकायदा मिस्त्री को नहीं ले आया, खुद इसने मसलन दीवार को बनाया और पहले से ही वो टेढ़ी थी। क्योंकि वो फारसी में भी कहते हैं ना कि अगर पहली ईंट ही टेढ़ी होगी तो दीवार आसमान तक टेढ़ी जाएगी। माइलन इला तरीक, वो दीवार जो है रास्ते की तरफ माइल थी, झुकी हुई थी इब्तदा में ही। तो भी ये शख्स जो है क्या है दामन बन सकता है, वो आगे हुक्म आएगा इसका। वो मिसलहू मालव बना हो, इसी इब्तदाई टेढ़ी की तरह है अगर ये दीवार को बनाता है। अला गैर असासिन मिसलही, या अला गैर असासे मिसलही, असास पे माना बुनियाद, यानी इस किस्म की दीवार की जैसी बुनियाद होनी चाहिए, इसने ऐसी बुनियाद नहीं बनाई, ऐसे ही जुगाड़ी काम किया। तो जमीन ये शख्स जामिन होगा किसका, मा यतलफो बेसबब ही, हर उस चीज का जो तलफ हो गई है इस दीवार की वजह से। मैंने नफ्स कोई इंसान मरा है, वो मालिन या किसी का कोई माली नुकसान हुआ है। माली नुकसान कैसे हो सकता है, अगर मेरी दीवार महल्ले वालों की तरफ गिरी तो फिर उनकी भी दीवार को गिरा दिया। वल्ला यत्तफिक ज़ालिका, अगर ऐसे न हो, यानी दीवार गिरी है लेकिन उसमें ये कुयूद नहीं जो हमने ऊपर बताए, वो कौन से थे, इसको या इल्म नहीं था, या इसको फुर्सत नहीं थी, या शुरू में तो सीधी बनाई थी, बुनियाद भी ठीक रखा था। बेन लम यालम बेफसाद ही, मसलन इस शख्स को उस दीवार के खराब होने का खदशा ही नहीं था, इल्म ही नहीं था। हत्ता वक, यहां तक कि वो गिर गई। अचानक का तर्जुमा मैं अपनी तरफ से करता हूं, अचानक गिर गई। मकौन ही मुअस्ससन, जबकि इस शख्स ने, या मकौन ही मुअस्ससन, मुअस्सिस को इसमें मफूल करके पढ़े तो कौन ही की जमीर जाएगी जनाब किसकी तरफ, हाइत की तरफ, जबकि ये दीवार मुअस्सस बनाई गई थी अलल वजहिल मुतबर, उस सही तौर तरीके से, फिर मिसल ही जो इस किस्म की दीवारें बनाई जाती। मसलन 6 फुट ऊंचाई वाली दीवार है, उसकी बुनियाद इतनी मजबूत नहीं होती, 10 फुट वाली की मजीद मजबूत करनी पड़ती है, 15 फुट वाली की मजीद मजबूत करनी पड़ती है। तो इसने जैसी दीवार बनाई थी तो उसकी बुनियाद भी ऐसे रखी थी। और अलिम, या इसको इल्म था कि दीवार टेढ़ी हो चुकी है, वाला किन्न हो, लेकिन ये साहिब दीवार लम यतमक्कन मिन इस्लाही, इसके बस में नहीं था, बस में नहीं था, यानी या तो यूं कहें वक्त नहीं था, या तो यूं कहें कि अकेला तो बना ही नहीं सकता था। हत्ता वक, यहां तक कि वो दीवार गिर गई तो भी ये जामिन नहीं है। औ कान मैलहू इला मिल्की, या दीवार बनी थी तो ये इसके अपने ही घर की तरफ झुकी हुई थी। औ मिल्किन उज़ैनफी है, या ये दीवार ऐसी मिल्कियत की तरफ झुकी हुई थी जिसमें इसने इजाजत ली हुई थी मालिक से। बोलो बादल मैल, बनाते वक्त भली इजाजत न ली हो लेकिन झुकने के बाद भी इजाजत ले तो फला जमान, इन तमाम सूरतों में जमानत नहीं होगी। क्यों, ले अदमिल उद्वान, इसलिए कि इसने गोया के किसी का बुरा नहीं सोचा है। इल्ला अन यालम अला तकदीर इल्म ही बेफसाद। अब ये देखें, पहले कहा कि कोई जमानत नहीं है, फिर कहते नहीं एक सूरत में जमानत होगी, यानी गोया के पहली भी इस्तिस्ना की जमानत से अदम जमानत की, फिर अदम जमानत से इस्तिस्ना करें जमानत की। अन यालम, ये शख्स जानता हो, अला तकदीर इल्म ही बेफसाद ही, अला तकदीर इल्म ही, अगर फर्ज करें कि इसको जो है क्या है इल्म है कि ये चीज तो फासिद है, दीवार नुकसान करेगी, भली इजाजत ले भी सही, लेकिन अगर इल्म भी नुकसान है तो जामिन होगा। कमई ले ही इला मिलके ही, मसलन दीवार तो इसके मिल्कियत की तरफ मायल थी, लेकिन बेवकू अतराफ अल खशब, उस दीवार पर जो लकड़ियां वगैरह इसने लगाई हुई थी, वल आलात, या उसमें जो दूसरे आलात खूबसूरती वगैरह की खिड़कियां वगैरह लगे, इला तरीक, इसको पता था कि दीवार अंदर गिरेगी ये चीजें बाहर गिरेंगी तो जामिन है। फयकूनो को मईल ही अला तरीके ही इला तरीक, तो ये ऐसे ही है जैसे कि ये दीवार शुरू से ही रास्ते की तरफ मायल थी, हालांकि दीवार मायल नहीं है, दीवार के आलात मायल हैं। वलो कानतिल हाइतो लिमुवल्ला अलैह, अच्छा अगर ये दीवार इसकी अपनी नहीं थी
किसी ऐसे की थी जिस पर ये वली है, मसलन किसी पागल की थी या छोटे बच्चे की थी, फइस्लाहु, तो उस दीवार की मरम्मत कराना, व जमानो हद से ही, और अगर उसमें कोई हादसा पेश आते तो उसकी जमानत मुतअल्लिकुन बिल वली, वो उस बच्चे के साथ ताल्लुक नहीं रखती बल्कि उसका ताल्लुक उसके वली के साथ है। अगर ये शख्स रखता है उस दीवार पर बर्तन या इस किस्म की दूसरी चीजें, मसलन जैसे कंबल वगैरह खुश करने के लिए रखा जाता है, फसकत, फिर वो गिर गया, वो अतलफ और फिर वो तलब भी हो गया, फला जमाना, तो ये शख्स जामिन नहीं है। इज़ाकान अल मौजू ओ मुस्तकर्रन, जब उस पर वो चीज जो रखी थी वो मुस्तकर हो, यानी डगमगाने वाली ना हो, ऐसा ना हो कि कभी भी गिर सकती है, अल हायत अल आद, आम तौर पर ऐसी चीजें रखी जाती हैं, ले अन्न लहु तसर्रुफ मिलके ही, इसलिए कि भाई इस बंदे को हक है कि अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करे, अपनी दीवार पे लिहाफ रखे या कंबल रखे, कई फशा जैसे चाहे तसर्रुफ कर सकता है, फला यकुनु आदियन, तो अपनी दीवार पर तसर्रुफ करने में गोया कि ये किसी पर तजावजकार नहीं है। वलौ लम यकुनु मुस्तकर्रन, लेकिन इसने ये जो बर्तन रखे हैं अभी भी हिल रहे हैं कि पता नहीं उस तरफ गिरेंगे उस तरफ, को इस्तिकरार मिसल ही, जैसे कि ऐसे बर्तन आम रखे जाते हैं तो वो मजबूती तरीके से वहीं पर पड़े रहते हैं, जमीन, तो ये शख्स अदम इस्तिकरार की सूरत में जामिन होगा, लिल उद्वान, इसलिए कि इस शख्स ने गोया के तजावज किया है, क्यों, बेतरीज ही लिल वकू, गोया के ये चाह रहा था कि ये बर्तन गिरे, अलल मारते, जो यहां से गुजर रहे हैं, उस पर फ्राई पान गिरे, उस बेचारे का सर फटे, वल जार या पड़ोस में पे जाके गिरे, वह मिसलहू मालो वजाहू अला सतही, मिसलहू इस दीवार की तरह है, अगर ये शख्स कोई चीज अपने छत पे रखता है, कोई चारपाई कोई कुर्सी रखता है, तो पुराने जमाने में तो कुर्सियां लकड़ी की होती थी, लेकिन आजकल प्लास्टिक की तो हल्की हवा में भी उड़ जाती हैं, और शजरत ही अलमौजूआ फी मिल्की, या ये शख्स कोई चीज अपने दरख्त पे रखता है और वो दरख्त भी अलमौजूआ यानी है इसकी मिल्कियत में, और मुबाह, या वो दरख्त ऐसी जगह पर है जो मुबाह है, हर एक उसमें तसरुफ कर सकता है, ठीक है, तो भी अगर वो चीज वहां पर मजबूत पड़ी रहती है आमतौर पर, फिर गिरी तो जामिन नहीं है, लेकिन हवा चल रही है और ये चीज वहां पर नहीं ठहरेगी, रखता है तो जामिन होगा। वलौ वक अल मीज़ाब, अगर परनाला गिर जाता है, अल मनसूब जो छत वगैरह में इसने सेट किया हुआ था, इला तरीक, कहां गिरता है, घर की तरफ नहीं, रास्ते की तरफ गिरता है, वला तफरीत, और इसने कोई कोताही भी नहीं की, कोताही कैसे, भाई बरसात वगैरह होती है तो परनाले को देखना होता है कि साफ है कहीं बंद तो नहीं हो गया, बेनकान मुस्बतन अला आदत अमसाली, और इस परनाले को ऐसे इसने सेट किया था जैसे आम परनाले सेट किए जाते हैं, फल अकरब अदम जमान, तो कौल अकरब यह है कि ये शख्स जामिन नहीं है। देखिये परनाला हल्का होगा तो दो इंटू से भी काबू हो जाएगा, भारी है तो उसको चार इंटे मसाला लगनी चाहिए। लिल इज्न, भाई क्यों जामिन नहीं है, लिल इज्न जो है क्या है, ये अदम जमान की दलील है, फी वज इल मयाजीब, मयाजीब जो है क्या है, मीजाब की जमा है, कि भाई परनालों को ऐसे रखने और लगाने की इजाजत दी है शरीयत ने, कजालिक, कजालिक का मतलब क्या है, यानी जैसे आम तौर पर वो लगाए जाते हैं दीवार में, फला यतअक्कब हो जमान, तो जब शरीयत ने इजाजत दी है तो उस इजाजत के बाद फिर जमानत का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता। बोले असवालत बरात, और फिर हम शक भी करते हैं कि परनाले की वजह से जो नुकसान हुआ है, आया मालिक उसका जामिन है या नहीं, असवालत बरात कहती है कि मालिक जामिन नहीं है। वकील, और यजमन मालिक जामिन है, वह इंजाज वज ओहू, अगर जो जायज है मीजाब को और परनाले को रखना, ले अन्नहु सबब इतलाफ, इसलिए कि ये परनाला सबब बना है किसी के जो है क्या है, जाया करने का। वह इन उबी है सबब, कहते हैं सबब मुबाह हो फिर भी जमानत हो सकती है, परनाला लगाना मुबाह था, का तबीब जैसे डॉक्टर साहब था, वल बैतार, बैतार यानी जो जानवरों का डॉक्टर होता है, वल मुअद्दिब जो अदब सिखाता है जैसे टीचर वगैरह है,
बोले सही हते, एक तो ये दलील है कि जामिन है और दूसरी हमारे पास रिवायत सही मौजूद है अभी सबा है कनानी की अन सादिक अलैहि सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से। काल काल अबू अब्दुल्ला अलैहि सलाम, रावी ने कहा कि छठे इमाम में फरमाया मन अजर बिशैइन मिन तरीकिल मुस्लिमीन, जो शख्स भी जरर पहुंचाए किसी भी चीज का मुसलमानों के रास्ते में फहुवा ज़ामिनुन लहू, तो ये नुकसान पहुंचाने वाला जामिन है उस नुकसान का। फिर दूसरी रिवायत सकूनी साहब की भी है अन सादिक अलैहि सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से, इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल बेतहकीक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अखरज मिज़ाबन, जो शख्स परनाला निकालता है किसकी तरफ, गली की तरफ, ये आप खुद समझें, औ कनीफन, या कोई गढ़ा खोदता है। गढ़ा कैसे खोदते हैं, पुराने जमाने में तो मसलन नकासी आपके लिए ये नाली या इस किस्म का सिस्टम नहीं था, घर के बाहर ही हल्का फुल्का जो है क्या है जनाब गढ़ा खोद के उसमें वो जमा करते थे। औतदन, या इसने कोई कील अपनी दीवार में बाहर की तरफ लगाए हुए हैं ताकि उसमें कोई रस्सियां वगैरह बांधे। औसक दाबतन, या इसने कोई गाय भैंस अपने जो है क्या घर के सामने गली में बांधी है। औ हफर बेरन फी तरीकिल मुस्लिमीन, या मुसलमानों के रास्ते में इसने कोई कुआं खोदा है। फअसाब शैयन, फिर इन चीजों की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा। फअतब, और फिर जो है क्या है कोई इसमें टकरा के गिर गया जख्मी हो गया। फहुवा लहु ज़ामिनुन, तो जिस शख्स ने ये काम किए हैं वो उस नुकसान वाले का ज़ामिन है। वह नस्सुन फिल बाब, कहते ये रसूल अकरम की हदीस बिल्कुल क्लियर वजाहत करते हैं कि रास्ते में अगर ये चीजें होंगी तो ये ज़ामिन होगा, लेकिन लफ्सह तरीको, एक शर्त है कि अगर इस रिवायत के तरीक को हम सही माने तो ये हमारे लिए दलील बनेगी, बाकी इंशाल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।